गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन लेसन है 24 क्लास 12th। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेसन है, टॉपिक है सर्कुलेशन ब्लड का, कि हमारा जो शरीर है, ह्यूमन जो बॉडी है, उसके अंदर जो सर्कुलेशन हो रहा है, सभी सेल्स तक जो फूड पहुंच रहा है वो किस वजह से, किसके थ्रू पहुंच रहा है, किस सिस्टम के थ्रू पहुंच रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेट हो रहा है एक सेल से दूसरी सेल में, या यू कहें कि डक्ट के थ्रू बॉडी में फूड भी पहुंच रहा है, न्यूट्रिएंट भी पहुंच रहा है, ऑक्सीजन भी पहुंच रहा है, ब्लड भी पहुंच रहा है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को हम पढ़ेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, बॉडी में एक ऐसी प्रोसेस जो मैनी टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू डिलीवर्ड करती है, डिलीवर्ड मतलब पहुंचाना, डिलीवर्ड करती है ऑल सेल इन द बॉडी, बॉडी की सभी सेल्स तक। मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम वो होगा या सर्कुलेशन वो होगा जिसके अंदर इस प्रोसेस में मेनली होगा क्या, कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली डिलीवर्ड होंगे न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन ऑल सेल्स इन आवर बॉडी, एंड जो सेल्स हैं वहां से वेस्ट मटेरियल को कैरी करके सर्कुलेटरी सिस्टम तक पहुंचाने की जो प्रोसेस होगी वो सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाएगी, आर कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए, द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डिलीवर्ड, मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होगा क्या, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डिलीवर्स न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू ऑल सेल इन द बॉडी। ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है बॉडी के अंदर डिलीवर्ड करेगा न्यूट्रिएंट को, ऑक्सीजन को सभी सेल्स तक। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स रनिंग थ्रू द एंटायर बॉडी। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कंसिस्ट होगा हार्ट में एंड ब्लड वेसल्स के अंदर। देखो अब हार्ट क्या है, यहां पर ब्लड पंप होता है, ब्लड पंप होता है। नंदिना, हार्ट को 4 चैंबर्स में डिवाइड किया गया है, यानी कहें कि हार्ट जो है डबल मंजिला बिल्डिंग है, और हार्ट में 4 चैंबर्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये हार्ट के 4 चैंबर्स होते हैं। यूं कहें कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये कंसिस्ट होगा हार्ट से और ब्लड वेसल से। ब्लड वेसल्स 3 होती हैं, आर्टरीज, वेंस एंड कैपिलरीज। आर्टरीज के अंदर प्योर ब्लड फ्लो होता है, वेंस के अंदर इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। जो आर्टरीज होती हैं उनका प्रेशर इक्वल रहता है, जबकि वेंस में प्रेशर हाई रहता है, लेकिन अभी ये हम बाद में बात करेंगे, नॉर्मली हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं कि द आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अब आर्टरीज क्या करेंगी, कैरी करेंगी ब्लड को, इकट्ठा करेंगी ब्लड को, कलेक्ट करेंगी ब्लड को, और अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर ले जाएंगे। हार्ट से दूर ले जाने का मतलब ईच पार्ट या ऑल सेल्स तक उस ब्लड को पहुंचाएंगी। तो आर्टरीज क्या करती हैं, हार्ट से ब्लड को कैरी करती हैं और बॉडी की ऑल सेल्स तक ब्लड को पहुंचाती हैं। उस ब्लड में न्यूट्रिएंट भी होते हैं, ऑक्सीजन भी होते हैं। सेकेंड है कि द वेंस कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। आर्टरीज ने क्या किया, ब्लड को कैरी किया हार्ट से और बॉडी के ऑल पार्ट तक उसको डिलीवर्ड कर दिया, बट वेंस क्या करेंगी कि बॉडी की ऑल सेल से या ऑल पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करेंगी और हार्ट में बैक होंगी, मतलब हार्ट के अंदर ब्लड को लेके आएंगी। ये जो वेंस हैं ये ऑल बॉडी पार्ट्स या ऑल सेल से ब्लड को कलेक्ट करती है, जो इम्प्योर ब्लड होता है, और उसको हार्ट के एट्रियम में लाके डाल देती हैं। आगे बात करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम्स को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकंड है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब दो ह्यूमन जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट हो, ऐसे एनिमल्स जिनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट हो, उनके हिसाब से, मतलब एनिमल्स के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन के हिसाब से
सर्कुलेटरी सिस्टम को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला ओपन में क्या होगा कि ओपन में वो एनिमल्स आएंगे, ये वो फाइलम आएंगे जिनके अंदर ब्लड का फ्लो विदाउट वेसल्स या डक्ट के होता है। इट मींस कि ब्लड फ्लो बिना किसी आर्टरी, बिना किसी वेन या बिना किसी कैपिलरीज के फ्लो हो रहा है तो वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में फाइलम होंगे ऑर्थोफोरा, जिसका एनिमल है कॉकरोच। सेकंड इसका फाइलम है मोलस्का, जिसका एनिमल है रिंगवॉर्म्स। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में वो एनिमल्स कंसिस्ट रहते हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो एक फिक्स डक्ट या वेसल्स में बहता है, जैसे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज आदि के अंदर ब्लड का फ्लो होता है, तो वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। इसमें एग्जाम्पल है, फाइलम होगा मेमेलिया फाइलम, मतलब जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स आते हैं वो फाइलम, जिसमें ब्लड का फ्लो एक डक्ट में होता है। सेकेंड फाइलम है एनेलिडा, जिसे अर्थवर्म कहते हैं। एनेलिडा के अंदर भी ब्लड वेसल्स या ब्लड डक्ट या आर्टरी वेन्स ये प्रेजेंट होती हैं। अब नॉर्मली हम बात करेंगे ब्लड का कि ब्लड क्या है, तो ध्यान देना कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू से कंसिस्ट फ्लूड है। ध्यान दीजिएगा कि ब्लड क्या है कि कनेक्टिव फ्लूड से या कनेक्टिव टिश्यू से कंसिस्ट एक फ्लूड है जिसके अंदर प्लाज्मा भी है, ब्लड कार्पल्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो हम ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल ब्लैक बोर्ड, ब्लड इज ए स्पेशियल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग, ब्लड इज ए स्पेशियल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ ए फ्लूड मैट्रिक्स प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। हमने भी आपसे कहा था कि ब्लड क्या है, स्पेशली कनेक्टिव टिश्यू से डेवलप्ड बना हुआ कंसिस्टिंग ऑफ ए फ्लूड, एक तरल है या फ्लूड है, फ्लूड मैट्रिक्स जो उसका मेन बेस है, प्लाज्मा उसमें प्रेजेंट है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म एलिमेंट्स का मींस है ब्लड कार्पल्स, ये सभी चीजें जिसमें प्रेजेंट होंगी वो ब्लड होगा, मतलब फ्लूड मैट्रिक्स प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट्स कंसिस्ट मेक ए ब्लड। ब्लड में क्या है, ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ ए फ्लूड मैट्रिक्स प्लाज्मा एंड एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ब्लड में आगे बात करते हैं कि ब्लड क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन में ब्लड की क्वांटिटी कितनी होती है, तो ह्यूमन में 5 से 6 लीटर ब्लड क्वांटिटी होती है। या यूं कहें कि टोटल बॉडी वेट का 7% ब्लड होता है, टोटल बॉडी वेट का 7% ब्लड होता है। नेक्स्ट, कलर ऑफ ब्लड, ब्लड का कलर रेड होता है, ब्लड जो है रेड कलर का होता है। ब्लड का रेड कलर जो है किस बेस पे होता है, ब्लड का जो रेड कलर है वो इसमें एचबी की प्रेजेंस की वजह से होता है। ध्यान दीजिएगा, पूछ लिया जाता है कि ब्लड के रेड कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, तो ब्लड के रेड कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है एचबी की प्रेजेंस। नेक्स्ट है ब्लड में कि ब्लड का टेस्ट कैसा होता है, तो ब्लड का टेस्ट साल्टी टाइप से होता है और ये साल्टी NaCl की प्रेजेंस की बेस पे होगा। ब्लड का पीएच 7.35 टू 7.45 ब्लड का पीएच होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड में कि ब्लड क्लोटिंग में टाइम कितना लगता है, तो ब्लड क्लोटिंग में लगभग 3 से 6 मिनट का टाइम लगता है। आगे हम बात करते हैं कि स्टडी ऑफ ब्लड आर कॉल्ड हेमेटोलॉजी। लिसन, स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड का स्टडी क्या कहलाएगा, तो ब्लड का स्टडी आर कॉल्ड हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड में, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू फ्लूड, मतलब ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू से डेवलप्ड एक फ्लूड मैट्रिक्स है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड में, ब्लड कंसिस्ट मेनली टू पार्ट, जो ब्लड है इसमें मेनली, या यूं कहें कि ब्लड मेनली टू पार्ट से डेवलप होता है। कि ब्लड में क्या क्या होंगे,
ब्लड में फर्स्ट होगा प्लाज्मा, निसंदेह फर्स्ट प्लाज्मा, सेकंड ब्लड कॉर्पल्स। ब्लड में ये ब्लड किससे कंसिस्ट होगा? प्लाज्मा से और ब्लड कॉर्पल्स से। ब्लड में जो प्लाज्मा होंगी 55-60% प्लाज्मा ब्लड में प्रेजेंट होता है। ब्लड में प्लाज्मा कितने परसेंट प्रेजेंट होगा? 55-60% प्लाज्मा प्रेजेंट इन ब्लड। एंड जो ब्लड कॉर्पल्सेस हैं वो 45%, कितना 45% या 40-45% आप कह सकते हैं इसकी प्रेजेंस होगी ब्लड के अंदर। ब्लड कॉर्पल्स अबाउट 40-45% क्वांटिटी होती है ब्लड के अंदर इनकी। फर्स्ट बात करते हैं हम प्लाज्मा की, डिस्कशन करेंगे प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा क्या है। ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा 55-65 पार्ट बना रहा है ब्लड का। तो देखिए, प्लाज्मा लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। प्लाज्मा क्या है? ब्लड का लिक्विड पार्ट है। एंड इट कंसिस्ट कनेक्टिव टिश्यूज, और ये किससे डेवलप हुआ है? कनेक्टिव टिश्यूज से। तो प्लाज्मा क्या होगा? प्लाज्मा लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड एंड इट कंसिस्ट कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज से डेवलप होता है। सेम प्लाज्मा ब्लड है बट प्लाज्मा विदाउट कलर होता है और ब्लड कलर होता है। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेनी प्लाज्मा में प्रेजेंट बिलीरुबिन एंड कैरोटीन पिगमेंट। प्लाज्मा में बिलीरुबिन एंड कैरोटीन पिगमेंट प्रेजेंट होंगी। दोस पिगमेंट या ये पिगमेंट मेनली डिसाइड करते हैं कलर ऑफ प्लाज्मा। ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा का कलर डिसाइड करेंगे बिलीरुबिन एंड कैरोटीन, और प्लाज्मा का कलर येलोविश टाइप का होता है, हल्के पीले रंग का प्लाज्मा होता है, हल्के पीले रंग का येलोविश। प्लाज्मा की प्रेजेंस ब्लड में 55-60% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर। प्लाज्मा का पीएच सेम ब्लड के पीएच के बराबर होता है 7.35-7.50। अब प्लाज्मा कंसिस्ट होगा कि प्लाज्मा में क्या क्या होगा, कि प्लाज्मा में किस किस की प्रेजेंस होगी या प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होंगे। तो प्लाज्मा कंसिस्ट मेनली H2O। प्लाज्मा में 90% H2O होता है, मतलब जल की मात्रा प्लाज्मा में मोर देन होती है, सबसे ज्यादा मात्रा में प्लाज्मा में जल होगा। सेकंड, प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगी। प्लाज्मा में क्या होंगी? प्लाज्मा प्रोटीन। और प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सी होंगी? तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स उपस्थित होंगी, और प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, ये भी प्लाज्मा प्रोटीन्स प्लाज्मा के अंदर उपस्थित होंगी, प्रेजेंट होंगी। ये प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ये मेनली रोल प्ले करेंगी ब्लड क्लोटिंग के अंदर, मतलब ये ब्लड को क्लोट करती हैं, ब्लड क्लोटिंग में रोल प्ले करती हैं प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन्स हैं, ब्लड क्लोटिंग में मेनली रेस्पॉन्सिबल हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन। अगली है हिपेरिन। हिपेरिन एक एंटी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है जो अपने ब्लड में प्रेजेंट होता है और अपने ब्लड को क्लोट होने नहीं देता। अगर अपना ब्लड आर्टरीज वेंस के अंदर क्लोट हो जाए तो ब्लड का फ्लो नहीं होगा, इसलिए ब्लड के फ्लो को मेंटेन करने के लिए, ब्लड को क्लोट होने से बचाने के लिए ब्लड आर्टरीज या वेंस या कैपिलरीज के अंदर हिपेरिन प्रेजेंट होता है। ये हिपेरिन एंटी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है जो ब्लड को क्लोट नहीं होने देता। थर्ड पॉइंट है प्लाज्मा किस किस से कंसिस्ट होगा, तो थर्ड है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। प्लाज्मा में ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी होंगे और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी होंगे। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में क्या क्या होंगे? ग्लूकोज, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स आदि प्रेजेंट होंगे प्लाज्मा के अंदर। तो प्लाज्मा मेनली कंसिस्ट हो गया H2 से जो 90% है, प्लाज्मा प्रोटीन से, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और हेपेरिन, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स हो गई।
थर्ड पॉइंट था कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से कंसिस्ट होगा प्लाज्मा, जिसमें ग्लूकोज, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, हार्मोन, एंजाइम्स आदि होंगे। हमने बात की ब्लड सर्कुलेशन के, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने ब्लड की बात की, ब्लड के अंदर हमने प्लाज्मा का स्टडी किया है। आगे हम बात करेंगे ब्लड कार्पल्स। ब्लड कार्पल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ब्लड कार्पल टोटल ब्लड का 40-45% पार्ट बनाती हैं। ब्लड कार्पल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट।